हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस राइटर, डायरेक्टर और एक्टर प्रयागराज सर के डायरेक्टर और एक्टर करियर के बारे में बताएंगे। प्रयागराज ने 1972 में आई मूवी कुंदन से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुद्वन सिन्हा, लक्ष्मी छाया और तिवारी वीना शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1974 में प्रयागराज की मूवी आई पाप और पुण्य। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, अजीत खान, असरानी, अरुणा ईरानी और इंद्राणी मुखर्जी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। इसी साल प्रयागराज की एक और मूवी आई इंसानियत। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, सुजीत कुमार, जगदीप और ध्रुवा खोटे शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1975 में प्रयागराज की मूवी आई पोंगा पंडित। इस मूवी के लीड कास्ट में रणधीर कपूर, नीता मेहता, प्रेमा नारायण, रूपा रॉय, डेनी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1977 में प्रयागराज की मूवी आई चोर सिपाही। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, विनोद खन्ना, शबाना आजमी, परवीन बॉबी और असरानी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1983 में मनमोहन देसाई और प्रयागराज की मूवी आई कुली। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, सोमा आनंद, रति अग्निहोत्री, कादर खान और वहीदा रहमान शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 18 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1985 में प्रयागराज की मूवी आई गिरफ्तार। इस मूवी के लीड कास्ट में रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, माधवी और पूनम ढुल्लन शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 32 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1987 में प्रयागराज की मूवी आई हिफाजत। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रूदन बहेल, अशोक कुमार और शक्ति कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1989 में प्रयागराज की मूवी आई गैर कानूनी। इस मूवी के लीड कास्ट में श्रीदेवी, रजनीकांत, गोविंदा, किमी काटकर और शक्ति कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। इसी साल प्रयागराज और बासी खान की मूवी आई ऊंच नीच बीच। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार और शबाना आजमी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। और यही अब तक की प्रयागराज सर की डायरेक्ट की हुई आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको एक्टर करियर के बारे में। प्रयागराज ने 1948 में आई मूवी आग से अपने एक्टर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे राज कपूर। इस मूवी के लीड कास्ट में राज कपूर, नरगिस, प्रेमनाथ और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1951 में डायरेक्टर राज कपूर की मूवी आई आवारा। इस मूवी में एक्टर थे प्रयागराज। इस मूवी के लीड कास्ट में राज कपूर, नरगिस, पृथ्वीराज कपूर और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1963 में डायरेक्टर जेम्स आइवरी की मूवी आई द हाउस होल्डर। इस मूवी में एक्टर थे प्रयागराज। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, लीला नायडू, दुर्गा खोटे और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1965 में डायरेक्टर सूरज प्रकाश की मूवी आई जब जब फूल खिलेंगे। इस मूवी में एक्टर थे प्रयागराज। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, नंदा, आगा, कमल कपूर और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल डायरेक्टर जेम्स आइवरी की मूवी आई शेक्सपियर वाला। इस मूवी में एक्टर थे प्रयागराज। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1969 में डायरेक्टर जेम्स आइवरी की मूवी आई द गुरु। इस मूवी में एक्टर थे प्रयागराज। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रयागराज, अपर्णा सिंह, उत्पल दत्त और दीना पाठक शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1970 में डायरेक्टर जेम्स आइवरी की मूवी आई मुंबई टाकीज। इस मूवी में एक्टर थे प्रयागराज। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, जेनिफर कैंडल, अर्पणा सिंह, उत्पल दत्त और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डायरेक्टर एस सुखदेव की मूवी आई माय लव। इस मूवी में एक्टर थे प्रयागराज। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, राजेंद्र नाथ और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लो एवरेज रही। इसी साल डायरेक्टर मनमोहन देसाई की मूवी आई सच्चा झूठा। इस मूवी के लीड कास्ट में राज खन्ना, विनोद खन्ना, मुमताज,
राज और प्रयागराज शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 25 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1993 में डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा की मूवी आई प्रतीक्षा। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, जितेंद्र, मोहिनी चटर्जी, शिल्पा और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1994 में डायरेक्टर इस्माइल मर्चेंट की मूवी आई इन कस्टडी। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, शबाना आजमी, ओम पुरी और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1999 में डायरेक्टर इस्माइल मर्चेंट की मूवी आई कॉटन मैरी। इस मूवी के लीड कास्ट में मीना गुप्ता, मधु जाफरी, नादिरा और प्रयागराज शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। और यही अब तक की प्रयागराज सर की एक्टर कैरियर में रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको प्रयागराज सर का डायरेक्टर और एक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।